गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर सॉइल ऑफ क्लास सेवेंथ. आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. हम सॉइल की लेयर्स और उसके टाइप्स के बारे में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल. सॉइल जो है वो वाटर को कितना एब्जॉर्ब करती है, हम उसके रेट के बारे में, कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब करेगी ये हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में सीखेंगे. तो ये देखो, ये एक्टिविटी नंबर है 5. इसमें दिखाया गया है, एम है टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट सॉइल सैंपल्स. इसमें आप डिफरेंट सॉइल सैंपल्स लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है. मटीरियल चाहिएगा एक प्लास्टिक एंड ए ग्लास फनल, अ फिल्टर पेपर, वाटर, सैम्पल्स ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स 50 ग्राम ईच, मतलब 50-50 ग्राम आप सैंडी और क्लेई सॉइल ले सकते हैं, अ बीकर, अ स्टैंड, अ मेजरिंग सिलेंडर. प्रोसीजर है, टेक अ फिल्टर पेपर एंड मेक इट्स कॉन. आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको कॉन शेप बनानी है. प्लेस दिस कॉन इन द फनल, उस फिल्टर पेपर को आपको फनल के अंदर फिक्स कर देना है. Fix the funnel in a stand and place an empty beaker below it, as shown in the figure. जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, आपको फनल को एक स्टैंड के साथ फिक्स कर देना है और नीचे आप एक बीकर रख दीजिए बड़ा सा. Add 50 ग्राम ऑफ सैंडी सॉइल टू द फनल, आप इसमें 50 ग्राम सैंडी सॉइल डालेंगे. एंड नाउ मेज़र 100 ml ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर. आप भी जो हाथ में ये हैंड दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये सिलेंडर पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर. इसके ऊपर मार्क किया होता है लेवल, तो आप इसमें 100 ml जो है वो वाटर डाल लेंगे और फिर उस 100 ml वाटर को आपको पोर डाउन करना है ऑन द फनल. फनल पे जहाँ आपने सॉइल 50 ग्राम सॉइल सैंपल लिया था सैंडी सॉइल का, उसी के ऊपर आपको ये पानी डाल देना है सारा, वो भी धीरे धीरे डालना है. लीव द एपरेटस टिल वाटर स्टॉप ड्रॉपिंग इन द बीकर. अब वाटर जो है फनल से ड्रॉप वाइज ड्रॉप बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा. मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बीकर. आपको वेट करना है, वो सारा पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप उस बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा सॉइल सैंपल में से पास होकर, तो आपको वो सारा पानी कलेक्ट कर लेना है. इट टेक्स टाइम, थोड़ा स्लो होगा, तो आपको वेट करना है. अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे उसमें, हमें कैसे पता चलेगा कितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है. देखो, सबसे पहले वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, हमने 50 ग्राम सॉइल सैंपल लिया था. वेट ऑफ द वाटर पॉट, कितना पानी डाला था हमने, 100 ग्राम पानी डाला था. 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो हमने 100 ml लिया था तो इसमें 100 ग्राम हो गया. ही वेट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बीकर, बीकर के अंदर जो पानी कलेक्ट हुआ वो कितना है, हम मान लेते हैं x ग्राम है. अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल सैंपल, अब सॉइल सैंपल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, हमने 100 ग्राम पानी लिया था, 100 में से कुछ पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो कितना किया, 100 में से कुछ पानी तो बीकर में आ गया है, तो जो बीकर में आ गया है उसके अलावा जो पानी रह गया वो कहाँ गया, वो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो 100 माइनस x, 100 में से जितना पानी हमारे पास बीकर में है अगर वो हम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी किसने एब्जॉर्ब किया, सॉइल ने. तो इस तरीके से हमारे पास एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल आ जाएगा. परसेंटेज निकाल लेंगे हम इसकी, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल सैंपल, दैट इज़ 100 माइनस x बाय 50. 50 मतलब कि 50 क्या है, यहाँ पे सॉइल सैंपल है, हमारे पास 50 ग्राम सॉइल सैंपल है, तो कितना वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, तो 50 में से ही तो काउंट करेंगे उसको, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये प्रोसेस, अब x जो है आप जो बीकर लेंगे उस बीकर के अंदर अमाउंट इन्होंने एग्जैक्ट लिखी नहीं है,
आप जब सॉइल सैंपल लेंगे तो डिफरेंट सॉइल सैंपल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब आएगा और बीकर के अंदर वो वाटर का लेवल भी अलग रहेगा। तो इसमें इन्होंने दिया नहीं, एक्स लिख के छोड़ दिया। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो भी आंसर आएगा। मान लो एक्स की जगह हम 50 रख देते हैं, तो 100 माइनस 50 बाय 50 इंटू 100, तो ये आ गया 100%। मतलब सॉइल ने 100% जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से आपकी जो भी एक्स की वैल्यू आती है, आप एक्स की वैल्यू रखते जाइए और अपने परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल सैंपल निकालते जाइए। अब इन्होंने कहा रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द अदर सॉइल सैंपल दैट इज क्लेई सॉइल। यही एक्सपेरिमेंट आप क्लेई सॉइल के साथ भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा है? डिफरेंट सॉइल सैंपल लिए हमने, उनका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, तो इससे हमें क्या समझ में आया? सॉइल हैज़ मैनी पोर्स और गैप्स विच अलो वाटर टू फ्लो डाउन। रेन वाटर ऑल्सो पासिस थ्रो दीज पोर्स। दिस वाटर हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो एंड ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी जो एब्जॉर्ब होकर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि कितनी बारिश हुई थी और कितना पानी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और हमारे ग्राउंड लेवल पर कितना पानी बच गया है। द पोर्स प्रेजेंट इन सॉइल आर फिल्ड विद एयर। एयर हेल्प्स द एनिमल्स लिविंग इन सॉइल ब्रीथ। जो सॉइल के पोर्स होते हैं, जो खाली रह गए हैं, उनके अंदर एयर प्रेजेंट है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रह रहे हैं, उनको ब्रीथ करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट सॉइल सैंपल। अलग अलग जो सॉइल सैंपल है उनसे हम ये देखेंगे कि किसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है। आज हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है टू फाइंड आउट परकोलेशन रेट ऑफ ए सॉइल सैंपल। एक सॉइल में जब हम पानी डालते हैं तो कितना पानी परकोलेट हो रहा है। इसमें हमें चाहिए एक ग्लास पाइप, पीवीसी पाइप, स्टॉप वॉच, वाटर एंड मेजरिंग सिलेंडर। देखो इसमें कैसे मेज़र करना है। लुक फॉर अ प्लेस वेयर अ गुड अमाउंट ऑफ सॉइल इज़ अवेलेबल विद अ पार्क और अ गार्डन। आपको एक ऐसा प्लेस देखना है जहाँ पर सॉइल की अमाउंट अच्छी हो, क्योंकि इसमें ये पाइप को फिक्स करने वाला है ये बच्चा इस एक्टिविटी में हमें, तो हमें एक सॉइल की अमाउंट जो है वो बहुत अच्छे अमाउंट में चाहिए। डिग एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर डिग डीप इन द ग्राउंड। आपको 2 सेंटीमीटर तक एक गड्ढा खोदना है। नाउ प्लेस द ग्लास पाइप और पीवीसी पाइप। अब जैसे इस फिगर में दिखाया गया है उसी तरीके से आपको सीधा वर्टिकल पोजिशन में उस पाइप को उस सॉइल के अंदर खड़ा कर देना है। मेजर 250 ml ऑफ वाटर एंड स्लोली पोर इन टू द पाइप। अब आपको क्या करना है, 250 ml वाटर लेना है और उसको धीरे धीरे उस पाइप के अंदर डाल देना है। स्टार्ट द स्टॉप वॉच इमीडिएटली। जैसे ही आप सारा पानी डाल चुके हो, आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें। व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इनटू पाइप एंड नोट डाउन द टाइम। पानी डालते डालते आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दीजिए और फिर क्या नोट कर रहे हैं, नोट द टाइम अगेन व्हेन ऑल द वाटर परकुलेट्स इनटू द सॉइल। आपको ये देखना है उसमें टाइम कि जब तक सारा पानी उस मिट्टी में से, वो मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती या सोख नहीं लेती, सारा पानी उस मिट्टी में से पास नहीं हो जाता, तब तक आप उस स्टॉप वॉच को ऑन रखेंगे। जैसे ही पानी सारा पास हो जाता है आपको स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। अब आप कैसे उसको परकोलेशन रेट कैसे मेज़र करेंगे, इसमें आपको लेना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड परकोलेशन टाइम। मतलब कितना पानी आपने लिया था और आपका वो सारा पानी कब तक आपने डाला, जब आपने डालना स्टार्ट किया था तब से लेकर पूरा पानी जब सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया तब तक का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो नोट कर लेना। आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर ml में है और परकोलेशन टाइम मिनट में मेज़र करना है। तो इसकी जो यूनिट बनेगी परकोलेशन रेट की वो होगी ml पर मिनट। सपोज इन्होंने करके भी दिखाया है कि सपोज द सैम्पल ऑफ सॉइल टेकन बाय यू टेक्स 25 मिनट फॉर 250 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट। मान लो कि आपने 250 ml पानी लिया था, उसने 25 मिनट लिए परकोलेट होने में। द रेट ऑफ परकोलेशन कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द अबव फार्मूला। अब ये जो फार्मूला था हमारा वॉल्यूम बाय परकोलेशन रेट वाला, इसमें आप ये रख दो वैल्यूज़, 250 ml पानी वॉल्यूम की जगह 250 ml और परकोलेशन टाइम हमारा हो गया 250 मिनट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 ml पर मिनट, मतलब एक मिनट में 10 ml पानी जो है वो उस मिट्टी में से रिस गया था।
ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन 250, परकोलेशन टाइम आपने लिख दिया, फिर परकोलेशन टाइम फॉर द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल इज, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है और ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के साथ जब भी एक्टिविटी करेंगे तो परकोलेशन रेट जो है वो अलग आएगा। जिस सॉइल के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा उसमें से पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका परकोलेशन रेट जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन जिन सॉइल के पार्टिकल का साइज़ स्मॉल है तो उनमें परकोलेशन में टाइम लगेगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ।